Assalamualaikum. So today we are here with a new topic, which is exchange rate determination in long run. अच्छा, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने शॉर्ट रन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट देखी थी कि शॉर्ट रन के अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे होती है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन लॉन्ग रन कैसे होती है. और उससे पहले आप कोई कॉन्सेप्ट जो कि बताने की ज़रूरत है, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी का. देखिए, परचेजिंग पावर क्या होती है. परचेजिंग पावर बेसिकली ये होती है कि लेट सपोज यू हैव 100 rupees एज योर इनकम, ठीक है. अब उस 100 rupees में पहले अगर आप कह लेंगे, कहते हैं कि आटा या वीट जिसको हम कहते हैं, वो लेट सपोज 20 rupees किलो का आता था, तो आप 5 kilo आटा ले सकते थे. बट नाउ द प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड नाउ द वीट कॉस्ट 80, वैसे तो 80 है लेकिन लेट सपोज 50 हो गया, तो आप कितना ले पा रहे हैं आप 100 rupees में. 1900 rupees में आप 2 kilo आटा ले पा रहे हैं. इट मीन्स द परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ वीट विल गेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है. क्यों? क्योंकि पहले आप 5 kilo ले सकते थे 100 rupees में और अब आप 2 kilo ले पा रहे हैं. इट मीन्स उस 100 rupees की जो परचेजिंग पावर है वो गिर गई है. अच्छा, पैरिटी का लव जैसे ही आ जाए आपको समझ जाना चाहिए या तो जीरो की बात हो रही है या किसी बराबर की बात हो रही है, ठीक है. परचेजिंग पावर पैरिटी का मकसद ये होता है कि जैसे हमने वहाँ पे देखा था अपनी कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी में, तो वो क्या था कि दोनों मुल्कों के अंदर जो अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करें आपके लिए बराबर है. यानी आप चाहे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करें या आप डोमेस्टिक कंट्री में, होम कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपके लिए वो बराबर है, क्योंकि वो पैरिटी हो. पैरिटी का मकसद होता है कि दोनों तरफ बराबरी हो गई आपकी, ठीक है. बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे भी परचेजिंग पावर पैरिटी का मकसद यही है कि दोनों साइड, जो भी हम दो साइड्स ले रहे हैं, यानी एक अपनी कंट्री लेट सपोज और एक फॉरेन कंट्री, या दो गुड्स की बात होती है, तो वो दोनों में बराबरी है, ठीक है. परचेजिंग पावर बराबर है, परचेजिंग पावर की पैरिटी है. इट मीन्स कि कहीं परचेजिंग पावर ज़्यादा या कम नहीं है. तो उस परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए लिखा हुआ है कि द फैक्ट दैट पीपल चूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री और अदर कंट्री डिपेंडिंग ऑन द प्राइस दे मस्ट पे. बिल्कुल, सबसे पहली बात यह कहते हैं कि देखिए लोग, ये एक 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 परचेजिंग पावर पैरिटी की जो डेफिनेशन थी वो जो मैंने आपको बताई है वो है. लेकिन यहाँ ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली इससे आगे की बातों के लिए कि इंसान या जो भी लोग होंगे वो क्या चूज़ करेंगे, वो हमेशा गुड्स और सर्विसेज उस कंट्री से लेंगे जहाँ पे वो क्या डिपेंड क्या करता है उनके ये ख़रीदना. अगर आप समझ लें, लेट्स सपोज आप कहेंगे भाई दोनों मुल्कों में या दोनों जगहों पे, दोनों कंट्रीज़ में जो गुड्स की क्वालिटी है वो सेम है, तो अब आप किस मुल्क से लेंगे. लाजमी सी बात है, ये डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, कि जहाँ प्राइस सस्ते होंगे या जहाँ प्राइस कम होंगे, जहाँ से वो गुड चीपर मिल रहा होगा आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी तो सेम है. तो क्वालिटी को इसलिए हम साइड पर करके एज्यूम कर रहे हैं क्वालिटी सेम है. तो अब बात हमारी जो फैक्ट है वो ये है कि पीपल हमेशा जो है वो जो गुड्स और सर्विसेज किसी भी कंट्री से बाय करेंगे उसके डिसीजन किस पे डिपेंड करता है कि क्या प्राइस उनको पे करनी. यानी जहाँ कम प्राइस होगी वो बड़ा मिलता है, वही उसी कंट्री के साथ जाएंगे. तो परचेजिंग पावर पैरिटी तो मैंने आपको पहले बता दी कि बेसिकली परचेजिंग पावर क्या होती है, और पैरिटी होती है कि दोनों तरफ परचेजिंग पावर जो है वो बराबर है, चाहे वो एक कंट्री की बात करें या वो दूसरी कंट्री की बात करें. अच्छा, परचेजिंग पावर से ही होते हुए एक लॉ आता है, द लॉ ऑफ वन प्राइस. अच्छा, ये लॉ ऑफ वन प्राइस का मकसद क्या है. ये लॉ ऑफ वन प्राइस का मकसद ये है कि लेट सपोज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड आवर फ्रेंड इज लिविंग इन US. दोनों जगहों पे एक बर्गर मिलता है, उस बर्गर को आप कह लेंगे, कहते हैं कि उसकी जो प्राइस यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ रुपीस और जो प्राइस वहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वो दोनों प्राइसेस अगर किसी एक एक्सचेंज रेट यानी करेंसी को कन्वर्ट करके किसी एक करेंसी के टर्म्स में लिखा जाए, तो दोनों की प्राइसेस अगर तो बराबर होंगी तो फिर वो क्या कहलाएगा, द लॉ ऑफ वन प्राइस. लॉ ऑफ वन प्राइस क्या है, अ प्रोडक्ट दैट इज इजीली एंड फ्रीली ट्रेडेबल. लाजमी सी बात है कि जो कि आसानी से और मुफ्त में, मतलब ट्रेडेबल के लिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, तो ऐसा गुड और फ्रीली कम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट. कम्पिटिटिव होगी यानी आप क्या कह लें कि भाई बहुत सारे कम्पिटिटिव मार्केट कहलाती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली, जहाँ पे क्या होता है मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है. तो ऐसी किसी मार्केट के अंदर अगर कोई भी कोई प्रोडक्ट जो कि ईजिली और फ्रीली ट्रेडेबल है ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसके सेम प्राइस होने चाहिए हर जगह पे, वंस द प्राइस एक्सप्रेस इन द सेम करेंसी. यानी अगर एक ही करेंसी में अगर उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो जैसे कि लेट सपोज अगर मैं इसकी आपको एग्जाम्पल बताऊँ, तो एग्जाम्पल ये होगी कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई जो पाकिस्तानी यहाँ पे जो बर्गर है वो है
300 रुपये का। जबकि अगर मैंने बाहर पूछा यूएस में, तो यूएस में कोई मुझे बता रहा है कि जी $2 का आपको एक बर्गर मिल रहा है। अब मेन बात आती है कि भाई एक्सचेंज रेट तो बताओ, ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सचेंज रेट जब तक नहीं होगा कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर आपको एक्सचेंज रेट मिल गया। अच्छा, एक्सचेंज रेट में क्या, ये आपको फार्मूला यहाँ नज़र आ रहा है कि पी इक्वल्स टू ई इंटू पी एफ, यानी प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन डोमेस्टिक करेंसी, यानी प्राइस ऑफ बर्गर लेट सपोज इन डोमेस्टिक करेंसी एक्सप्रेस इन डोमेस्टिक करेंसी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बर्गर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई बाय देयर एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट वही ई, ई को आप हमेशा याद रखिएगा जब भी ई की बात हो रही है, किस तरह लिखा जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कह लें रुपीज अपॉन डॉलर, तो यानी कहलाएगा, कहते हैं फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये बात है, अगर मैंने पहले गलत बोला हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो यानी लेट सपोज अब मैं आपको रेट देने लगा, रेट है आपके के $1 के 150 रुपीज, ये रेट दे दिया, ठीक है, डॉलर रुपीज अपॉन डॉलर था, मैंने लिख के दे दिया, ये आपका एक्सचेंज रेट आ गया ई। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें इस टू से, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट विल बी द आउटकम, 300, और यहाँ भी क्या है 300। तो यानी ये सिचुएशन कहलाती है लॉ ऑफ वन प्राइस, यानी अगर $2 का वहाँ मिल रहा है और 300 का यहाँ मिल रहा है और एक्सचेंज रेट 150 है, तो फिर लाजमी सी बात है फिर ये बराबर अगर आ गए तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा कि ये लॉ ऑफ वन प्राइस यहाँ होल्ड कर रहा है इस खास तौर पर इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये लॉ ऑफ वन प्राइस कहलाता है कि जब आप एक करेंसी के अंदर एक्सप्रेस कर दें दो आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को किसी एक सिंगल करेंसी में एक्सप्रेस कर दें, तो लाजमी एक्सप्रेस आप ऐसे ही करेंगे कि आपको उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस करेंसी को, और आप जब कर दें तो आपके अगर आंसर बराबर आ रहे हैं तो ये लॉ ऑफ वन प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको रब कर दूँ। तो ये जो चीज़ हमने अभी देखी ये क्या थी, लॉ ऑफ वन प्राइस और इसके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया। अच्छा, लेकिन होता क्या है, यूजुअली ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि गुड्स फ्रीली ट्रेडेबल नहीं होते। क्या होता है कि लाजमी से बात है कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़रूर होती है, और फिर कंपिटिटिव मार्केट भी नहीं होती सारी। अगर मोनोपली होती है किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर, तो लाजमी सी बात है अगर मोनोपली है उस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की, मतलब किसी एक फर्म के पास जो है ज़्यादा अथॉरिटी है, तो वो प्राइस को चेंज कर सकती है, अपनी मर्जी के प्राइस रख सकती है। तो जब अपनी मर्जी के प्राइस रखेगी तो लॉ ऑफ वन प्राइस होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी वजह से लॉ ऑफ वन प्राइस जो है वो यूजुअली होल्ड नहीं करता, लेकिन ये अगर थ्योरी देखी जाए तो वो उसकी ये है और कॉन्सेप्ट उसका बैकग्राउंड पे ये जो हमने अभी बताया, लेकिन वो यूजुअली होल्ड नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल वैसी ही चीज़ आती है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी पता है, हम ऊपर समझ कर आ गए। एब्सोल्यूट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल परचेजिंग पावर पैरिटी इक्वल होना, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूटली जो है वो इक्वल होना, उसको एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है, वो भी हम पढ़ेंगे, अ बास्केट और अ बंडल ऑफ अ ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स विल हैव द सेम कॉस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज वंस स्टेटेड इन द सेम करेंसी। अच्छा, इसमें भी वही बात है कि अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स, यानी एक बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है, उसकी जो प्राइस होगी वो अगर सेम करेंसी में स्टेट कर दी जाए, यानी एक्सप्रेस कर दी जाए कन्वर्ट करके, फॉरेन कंट्री के अंदर जो प्राइस है और हमारी करंट कंट्री में जो प्राइस है, उन दोनों को अगर एक एक्सचेंज रेट से एक्सप्रेस कर दिया जाए, एक रुपी में या एक डॉलर के डॉलर्स की टर्म में या रुपी की टर्म में अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो वो बेसिकली बराबर होगी, तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी का मतलब आपने समझ लिया था, और एब्सोल्यूट, और जो मेन बात है वो ये है कि ये बास्केट और अ बंडल की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ वन प्राइस और एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी में सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट की बात हो रही थी, स्पेसिफिकली एक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की बात हो रही थी, यहाँ एक बास्केट या बंडल की बात हो रही है ऑल टुगेदर। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब लाजमी सी बात है, जैसे लेट सपोज कह लेंगे डिफरेंट किस्म के 10 किस्म के गुड्स हैं, जब 10 किस्म के गुड्स हैं तो वो सारे मिल के आपको क्या दे रहे होंगे, एक प्राइस दे रहे होंगे, यानी एक का 10 रुपये, एक के 3 रुपये, एक के 4 रुपये, तो इट मीन 17 रुपीज़, 17 डिवाइड बाई 3 कर लें, तो एक आपको कह लें, कहते हैं कि आपको एक
अमाउंट मिल रही होगी 5 point something करके कोई, ठीक है। तो वो जो एवरेज प्राइस है वो बेसिकली क्या कहलाता है, प्रोडक्ट प्राइस लेवल भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है और यहाँ बास्केट की बात हो रही है। अच्छा, एक और बात ये कि इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो PF और यहाँ जो ये P है, यानी P फॉरेन प्राइस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये एवरेज प्राइस है, यानी एक बंडल का प्राइस है। अच्छा, अब बंडल के प्राइस को जो है ना थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, क्यों, लेट्स सपोज बर्गर की प्राइस दोनों जगहों पे सेम नहीं है, एक जगह वो 10 का है, एक जगह 12 का है, लेकिन इसी तरीके से अगर एक जगह बर्गर जो है वो ज़्यादा महंगा है लेकिन दूसरी चीज़ उसके साथ तुमने लगाई कोल्ड ड्रिंक वो दूसरी जगह पे सस्ती है, तो जब दोनों का एवरेज निकाला, लेट्स सपोज कि एक तरफ जो है वो बर्गर 10 का था, कोल्ड ड्रिंक 5 की थी, ठीक है, बट दूसरी तरफ जो US की बात करी गई, जब हमने रुपये में कन्वर्ट करा तो बर्गर जो है वो 12 रुपये का था, बट जो आप कहते हैं जो कोल्ड ड्रिंक थी वो 3 रुपये की थी, तो ऑल टुगेदर जब हमने सम करा तो वो 15 आ गया और यहाँ पे वो 15 आ गया। जब हमने उनको डिवाइड करा तो 7.5 दोनों साइड पर बन जाएंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो इट मीन्स ये चीज़ होल्ड कर जाएगी, एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी। इट मीन्स अगर लॉ ऑफ वन प्राइस होल्ड नहीं भी करता तब भी एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी होल्ड कर सकती है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और फिर आप उसको कह सकते हैं, यानी अगर एक चीज़ ज़्यादा भी हो, लॉ ऑफ वन प्राइस होल्ड ना भी कर रहा हो, बर्गर महंगा हो और एक तरफ दूसरी तरफ का सस्ता हो, और कोल्ड ड्रिंक एक तरफ सस्ती हो दूसरी तरफ महंगी हो, तब भी एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी होल्ड कर सकती है, क्योंकि एवरेज प्राइस की बात की जाती है यहाँ पे, उन सारे प्राइजेस को एक सिंगल प्राइस बनाने की बात की जाती है। लेकिन स्टिल ये भी कभी कभी होल्ड नहीं करती, उसकी वजह यही होती है कि ट्रेडेबल गुड्स के अलावा भी डिफरेंट गुड्स होते हैं जो कि नॉन ट्रेडेबल होते हैं, यानी बंडल्स आपने बना लिया और बंडल्स पता चल गया कि वो ट्रेड हो ही नहीं सकते इधर उधर, तो जब अगर वो ट्रेड ही नहीं हो सकते तो फिर लाजमी सी बात है, या कहते हैं कि वो नॉन ट्रेडेबल ट्रेडेबल गुड्स भी अगर उस बकेट में उस बंडल में डाल दिए तो वो आपके लिए क्या एक है, एक तरीके से कह लिया है, कहते हैं कि वो इसको ऑब्जेक्शन कर रहा ऑब्जेक्ट कर रहा होगा, या ये कह लिया कहते हैं इसमें मसला ला रहा होगा, और फिर ये चीज़ बराबर नहीं हो पाती कुछ जगहों के ऊपर। तो एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी भी जो है वो होल्ड नहीं करती इन नेचुरल टर्म्स, ठीक है, मतलब ज़्यादा कहते हैं कि मोर फ्रीक्वेंटली वो होल्ड नहीं करती, काफ़ी जगहों के ऊपर मसला आता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सारी बातें उसमें आती है। फिर बात आती है रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी। अच्छा, रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी पॉजिस दैट द ओवर टाइम चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस लेवल इन टू कंट्रीज विल बी ऑफसेट बाय चेंजेस ऑफ एक्सचेंज रेट ओवर टाइम। बिल्कुल, ये थोड़ा डिटेल्ड भी है और इसकी बातें थोड़ी और कह लें वजनी है, वजन रखने वाली है। वो किस तरीके से कि ओवर टाइम चेंज, इसमें हम देखते हैं रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी की जो बात आती है उसमें बंदा ये देखता है कि पिछले साल क्या था, यानी लेट सपोज पिछले साल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि चेंजेस ओवर टाइम की बात कर रहे हैं, तो ओवर टाइम लेट सपोज हम पिछले साल का और आज के साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या कि पिछले साल से इस साल जो है वो क्या था, सही है, इसके जो कह लें कहते हैं कि रिलेटिवली कितना बड़ा या कितना कम हुआ, उन दोनों के जो रेशोज होते हैं, यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि ये पहले था आपका एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी, उसको हमने अगर जब PF को हम डिवाइड में ले गए वहाँ तो वो बन गया एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिवाइड बाय प्राइस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, अब चेंजेस ओवर टाइम की बात करिए तो ओवर टाइम का मकसद ये हो गया कि लेट सपोज करेंटली एक्सचेंज रेट ये है, डिवाइड कर देंगे हम उसको प्रीवियस एक्सचेंज रेट के साथ प्रीवियस ईयर के, इसी तरीके से प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी करंटली ये है, प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पिछले साल का ये था, प्राइस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, वो ये है बाहर की कंट्री के अंदर जो है जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो फॉरेन करेंसी में ही होगा, और करंटली ये है, और प्राइस इन फॉरेन करेंसी प्रीवियस ईयर का ये है। तो इनका कहना ये है कि रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी क्या करती है कि ये जो इन दोनों का जो डिवाइड करके जो इनका आंसर आएगा, या कह लेगा कहते हैं कि इन दो रेशोज का जो डिफ्लेट करके जो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी रिलेटिव एक्सचेंज रेट के, यानी एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है पिछले साल से अभी तक का वो बराबर होगा इन दोनों के चेंज के, द ओवर टाइम चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस लेवल इन टू कंट्रीज विल बी ऑफसेट बाय द चेंज ऑफ एक्सचेंज रेट ओवर टाइम, यानी जितने प्राइजेस फॉरेन टर्म में फॉरेन करेंसी के टर्म में बाहर फॉरेन करेंसी में या आप कहते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी के अंदर जितना भी जो चेंज आया है वो ऑफसेट हो जाएगा इस एक्सचेंज रेट के चेंज से, क्योंकि हमें इक्वेशन से नज़र आ रहा है
कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर होंगे, यही जब भी परचेजिंग पावर पैरिटी का लफ्ज आएगा, ठीक है, अगर बराबर होंगे तो, वरना हमें पैरिटी नहीं कहलाती वो। अच्छा, अगर हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेट हमने क्या करा कि देखिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ई नॉट क्या है पिछले साल का, लेट्स सपोज 10 कह लें कि भाई एक्सचेंज रेट था 10 रुपी पर डॉलर, अब हो गया 12, तो क्या कहलाएगा ये 12 का मकसद क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझने के लिए लिखूँ कि 10 + 12 = 12 और ये 10 क्या है, ये 10 था पिछले साल का, अभी क्या हुआ, अभी ये चेंज आया इस साल का, तो इसलिए हमने इस ई टी की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से प्राइस ऑफ टी यानी करंटली जो प्राइस चल रहा है इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसको भी हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया और पी नॉट प्लस चेंज इन पी लिख दिया। इसी तरीके से पी एफ नॉट प्लस चेंज इन पी एफ यानी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी जो पिछले साल था उसमें प्लस कर दिया हमने चेंज जो इस साल आया, क्योंकि जो चेंज है वो हमने इससे डिनोट कर रहे हैं, बाकी ये पुराने वाले लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमने इसको क्या करा, सिंपली लाजमी से बात है कि ये देखिए ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को भी अगर हम अलग कर दें, दोनों टर्म्स में ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई नॉट और चेंज इन ई अपॉन ई नॉट, ये मैंने ये लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से ये पी नॉट भी दोनों तरफ चला जाएगा, ये आ गया, और पी एफ नॉट भी दोनों तरफ चला जाएगा। अच्छा, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो गया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, पी एफ नॉट से पी एफ नॉट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस चेंज इन ई ओवर ई नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस चेंज इन पी ओवर पी नॉट, 1 प्लस डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 1 प्लस चेंज इन प्राइस ऑफ फॉरेन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय प्राइस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन प्रीवियस ईयर। अच्छा, उसको जब आप थोड़ा और डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको इधर ले गए, आपका कह लें राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 हो गया, ये 1 चेंज इन ई ओवर ई नॉट से मल्टीप्लाई हुआ चेंज इन ई ओवर ई नॉट हो गया, फिर ये चेंज इन पी एफ ओवर पी एफ नॉट मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही आ गया, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये टर्म आ गया और इक्वल्स टू ये एज इट इज रहा। अच्छा, फिर रीअरेंज कर लिया, चेंज इन ई ओवर ई नॉट को हमने यहीं छोड़ दिया, हमने क्या करा, हम इस 1 को इसको और इसको लेके चले गए, 1 को जब इधर लेकर आए तो -1 हो गया, चेंज इन पी एफ ओवर पी एफ नॉट को इधर लेकर आए तो चेंज इन पी एफ ओवर पी एफ नॉट माइनस के साथ आ गया, और ये टर्म पूरी की पूरी मल्टीप्लाई में थी इधर तो, और प्लस के साथ सेपरेट थी, तो जब इधर आएगी पूरी टर्म तो माइनस के साथ आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, लेकिन ये टर्म जो है आपकी, ये टर्म क्या है, ये टर्म जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, चेंज पी एफ का अपॉन पी एफ नॉट लाजमी से बात है कुछ पॉइंट्स में आएगा, और इसी तरीके से एक्सचेंज रेट का भी चेंज, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक बहुत स्मॉल अमाउंट बन जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, बहुत माइनर अमाउंट है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, और इसको इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा, चेंज इन ई ओवर ई नॉट चेंज इन पी ओवर पी नॉट चेंज इन पी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और डिवाइड बाय प्राइस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जो मेन समझ में इसमें बात आती है वो क्या समझ आएगी आपको, कि चेंज इन पी ओवर पी नॉट क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जब भी आप काउंट करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट ऐसे ही होता है कि पिछले साल क्या था इस साल क्या था, इन सबको जो हमने वो डिवाइड करके जो चेंज आया असल वो रखा और डिवाइड कर दिया पी नॉट से, तो वो कहलाता है इन्फ्लेशन रेट, प्राइस के जो चेंज हुआ पिछले साल से इस साल तक के वो इन्फ्लेशन हो गई, और ये पी नॉट का मकसद है हमारी डोमेस्टिक करेंसी, तो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो आ गया, और ये क्या था, क्योंकि यहाँ से हमने सबसे शुरू करा था कि भाई ये फॉरेन करेंसी के कंट्री के अंदर जो प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं वो है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे रखे वो पी एफ आ गया, तो यानी ये इन्फ्लेशन रेट कहलाया किसका, फॉरेन कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और ये कहलाएगा आपका चेंज इन नॉट ओवर ई, ये कहलाएगा करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, जब माइनस में आएगा तो डेप्रिसिएशन होगी लाजमी सी बात है। अच्छा, किसकी अप्रिसिएशन किसकी डेप्रिसिएशन, तो रिकॉल करें हमारा प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बताया कि ये ई क्या होता है, फॉरेन करेंसी की बात हो रही होती है, ठीक है, डॉलर की बात हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो यानी अगर मैं कहूँ ये ये बढ़ गया, ई बढ़ गया, इट मीन्स फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी, तो ये जो चेंज है ई का ही चेंज है, तो करेंसी अप्रिसिएशन है फॉरेन करेंसी की। इससे हम ये डिड्यूस करेंगे कि ये हमने तो फॉर्मूला सॉल्व करते करते चीज निकाल ली और ये कुछ हमारे पास आ गई, लेकिन इसका मकसद क्या है, इसको करने के बाद आपको समझ क्या आया, वो ये समझ आया कि मैं लिख दूंगा कि करेंसी एप्रिसिएशन
ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी इसका मकसद ये होता है करेंसी अप्रिसिएशन ऑफ, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब इसका मकसद क्या हुआ, देखिए इसका मकसद यह हुआ कि कल को, मतलब अभी अगर बात करना चाहें एक्सचेंज रेट की, डिटरमिनेशन कर रहे थे, तो लॉन्ग रन में होता क्या है, लॉन्ग रन में ये होता है कि जो इनके इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अप्रोक्स इसलिए कि हमने ये इस चीज़ को हमने खुद जीरो करा है, तो अप्रोक्सीमेटली कह लें वो इक्वल होते हैं, इनके डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं इनकी करेंसी अप्रिसिएशन के या डेप्रिसिएशन के। यानी अगर आपकी, आपके मुल्क की जो कह लेंगे कहते हैं आपकी, आपके मुल्क की अगर इन्फ्लेशन रेट 10% से इंक्रीज होता है, तो लाजमन आपकी करेंसी लॉन्ग रन में डिक्रीज हो जाएगी उस 10% से। या अगर फॉरेन करेंसी या फॉरेन कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 10% से इंक्रीज होता है, तो फिर उसकी करेंसी जो है वो डिक्रीज है। अगर हम यहाँ बात करें तो लेट सपोज ये रखते हैं हम 10 माइनस 10%, और ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इट मींस अगर दोनों जगहों पे इक्वल इन्फ्लेशन रेट है तो एक्सचेंज रेट की अप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी की नहीं हो रही। लेट सपोज अभी फिल वक्त हमने बात करा कि कोई अप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए 0 बराबर से। अभी एक बात करें, लेट सपोज अब इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क का बन गया 20 हो, इसकी वजह से अब आंसर क्या आ रहा है, 10% क्या, करेंसी अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से होता क्या है, इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है तो लाजमी सी बात है आपकी जो कहते हैं कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ जाता है तो बाहर की चीज़ें जो हैं वो लोगों को और ज़्यादा अच्छी लगने जाती है, लोगों को वो ज़्यादा चीप लगने लग जाती हैं, और लोग बाहर की जो है वो चीज़ें खरीदने की तरह दौड़ते हैं, इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इम्पोर्ट बढ़े, इम्पोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जब लोग आप अपना पैसा उनकी करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं उनकी चीज़ें लेने के लिए, तो अल्टीमेटली आपका एक्सचेंज रेट ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से आपको समझ आना चाहिए कि अगर 10% आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो 10% से, क्योंकि ये करेंसी अप्रिसिएशन किसकी है, फॉरेन करेंसी की, तो लाजमी आता है अगर 10% से फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो अल्टीमेटली आपकी जो करेंसी है वो 10% से डिक्रीज हो रही है, तो वो 10% से डिक्रीज होगी, और इसी तरीके से 10% से आपकी करेंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 10% से यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी फॉरेन करेंसी 10% से, ठीक है, और आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। और लेट सपोज अगर ये करेंसी ऐसी रहती है, इन्फ्लेशन रेट यही रहता है, आपका इन्फ्लेशन रेट फॉरेन करेंसी का, सॉरी फॉरेन कंट्री का 10% से बढ़ जाता है, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस टेन। का मकसद क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन नहीं बल्कि क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है फॉरेन करेंसी की, यानी कह लें डॉलर्स की डेप्रिसिएशन हो गई, तो उसकी डेप्रिसिएशन आपकी एप्रिसिएशन है, आपकी डेप्रिसिएशन उसकी एप्रिसिएशन है, तो ये चीज़ यहाँ पर डिड्यूस होती है। और लॉन्ग रन में एक्सचेंज डिटर्मिनेंट कैसे, डिटर्मिनेशन कैसे होती है, इन्फ्लेशन रेट के थ्रू, एक तरीका का ये है कि इन्फ्लेशन रेट के थ्रू आपकी एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन होती है, जो कि शॉर्ट रन में आप नहीं कैचअप कर पाते, क्योंकि ये चीज़ जो है, जो इन्फ्लेशन है वो आपको टाइम टू टाइम एक लॉन्ग प्रोसीजर के बाद आपको पता चलता है, और इसका इफेक्ट एक लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग रन में फिर बाद में आता है कि आप इसको करेंसी को इस तरह देखते हैं कि अगर आप लोगों की इन्फ्लेशन जो है वो रेट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है बनस्बत दूसरी कंट्री के, तो आपका जो है वो लाजमी सी बात है कि आप जो है आपकी करेंसी पर डिक्रीज होगी। और बिल्कुल यही बात यहाँ पर समझ में आती है कि अगर दूसरे मुल्कों का जैसे लेट सपोज कि अगर आपने अपनी प्राइस को स्टेबल रखना है तो आप अपनी इन्फ्लेशन को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, बट दूसरी कंट्रीज अगर ऊपर जाती जा रही है, उनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड और ये सारी कंट्रीज, जर्मनी इवन, ये लोग चाहते हैं कि उनका रेट जो है वो फिक्स रहे, स्टेबल रहे, इनके प्राइजेस चेंज ना हो ज़्यादा, तो और अगर उनको नज़र आ रहा है कि दूसरी कंट्रीज जो है उनकी इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहा है, तो लाजमी सी बात है कि उनको अपने एक्सचेंज रेट को, अगर तो जैसे दूसरी कंट्री को वो देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि 10% से उसकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है हमारे मुकाबले में, हम तो 0% पर खड़े हैं, हमारी नहीं बढ़ी जबकि उसकी 10% से ग्रो हो गई है, तो उसके टर्म्स में
फिर इनको अपना एक्सचेंज रेट, जो कि ये बात है, क्योंकि अगर देखा जाए कि लेट सपोज ये वो कंट्री है जिसकी वो बात कर रहे हैं, और ये वो सॉरी ये इनकी अपनी कंट्री है और ये वो फॉरेन कंट्री है उनके लिए जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो कि 10% से उसके इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। तो इट मीन्स अगर आपको अपनी करेंसी को, अपने प्राइजेस को स्टेबल रखना है, तो आपको अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए -10 का मकसद क्या है कि दूसरी भारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हो रही है, इट मीन्स आपको अपनी करेंसी को 10% से बढ़ाना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि बढ़ेगा नहीं तो फिर इन्फ्लेशन अल्टीमेटली आपके तरफ भी आ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको अपने प्राइस स्टेबल रखने होंगे, तो इस इक्वेशन के थ्रू अगर आपने देख लिया कि इन्फ्लेशन बाहर के मुल्कों में 10% इंक्रीज़ हो गई है, आप में नहीं हुई, तो आप डेफिनेटली अपनी एक्सचेंज रेट आपका जो है वो 10% से इंक्रीज़ होगा, जब जाके वो आप जो है वो उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे और आप जो है आपकी प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये एक पोर्शन था डिटर्मिनेशन लॉन्ग रन का, नेक्स्ट पोर्शन बेसिकली मनी मार्केट है, वो हम इसको करेंगे अगली क्लास के अंदर। और आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, डेरिवेशन समझ आई होगी, ये सब कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर से कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट की अभी बात चल रही है, तो अभी हम अगली क्लास में एक्सचेंज रेट ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।